कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और। तो आज का वीडियो जो हमारा है, मैं आपको बता दूं, आज जो हमारा आज का वीडियो है वो है बोर्नियो के ऊपर है, बोर्नियो के कुछ फीचर्स के ऊपर है। छोटा सा अपडेट है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है गाइस। वीडियो को लास्ट एंड तक आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको मैं कवर करूंगा कि बोर्नियो में क्या क्या फीचर्स कुछ हैं। जो आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्नियो का जो टूल है बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, फीचर्स भी हैं। तो ये सारे फीचर्स को मैं कुछ आपको फीचर्स यहाँ पे भी बताना चाहूँगा। पहले वीडियो में मैंने डाला था, केवल ये छोटी सी वीडियो है, छोटे से फीचर्स के ऊपर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको पता ही है कि इसमें हार्डवेयर सोल्यूशंस होते हैं, काफी सारे मॉडल ऐड हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाते हैं मोबाइल से रिलेटेड। अगर कोई फॉल्ट है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी फोन हुआ और किसी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम जा रही है, तो आप उसको देख करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये तो सबको पता ही है, ये चीज तो मैंने कवर करने के लिए नहीं है। मेन जो है अपडेट्स का मैं आपको बताऊंगा लास्ट एंड तक, ये अब खुल जाएगा तो खुल रहा है तो खुलने देते हैं, तो फटाफट चलते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर सोल्यूशन है गाइस, इससे आप ट्रेसिंग कर सकते हैं कि इसमें आपको कौन सी सप्लाई है, कहाँ से जा रही है, क्या कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कैमरे का खोला था, तो कैमरे की सप्लाई अगर आपकी काम नहीं कर रही है, तो उसके बीच में क्या क्या कॉम्पोनेंट लगे हैं, कहाँ से आ रही है, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है, वो सारा कुछ यहाँ पे मैंशन हो जाता है। हार्डवेयर सोल्यूशन के बाद उसके बाद बात करें तो विंड मैप है। विंड मैप भी आपको पता ही है कि लाइनों को ट्रेस करना, किसी कॉम्पोनेंट को, किस आईसी पैडलाइन को चेक करना, ये सारा कुछ इसमें मिल जाता है। और मेन होता है स्कीमेटिक डायग्राम, जो कि यहाँ पे काफी सारे ये तीनों चीज तो हमारे मोबाइल फील्ड में काम आते हैं, हार्डवेयर सोल्यूशन, विंड मैप और स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम आपको पता ही है कि किसी फोन को आपको ट्रेसिंग करना है, उसमें ढूंढना है क्या रजिस्टर लगा, क्या कॉम्पोनेंट लगा है, कितने वैल्यू का लगा, कहाँ पे लगा है, वो सारा कुछ आप स्कीमेटिक डायग्राम में फाइंड आउट कर सकते हैं, सप्लाईओं की जानकारी मिल जाएगी। अब मेन आते हैं इसके जो फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, और जो इसके फीचर्स आपको अगर नहीं पता है तो एक और भी ये भी बता देता हूँ कि जब आप कभी डायग्राम चला रहे हो, स्कीमेटिक चला रहे हो, मैं किसी का भी खोल लेता हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे किसी भी फोन का खोल लेता हूँ गाइस, यहाँ पे कोई सा भी एक फोन का मैं खोल लेता हूँ। चलिए मैं किसी का भी खोल लेता हूँ। तो लेआउट ये आपको पता ही है, छोटे छोटे मैं इसके फीचर्स के बारे में बता दे रहा हूँ, ये कोई भी नॉलेजेबल नहीं है, अपडेट नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसके फीचर्स के बारे में। डायग्राम को अगर आप जाते हैं तो डायग्राम में भी अगर आप देखिए, अगर आपको डायग्राम और लेआउट को दोनों को अलग अलग चलाना है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका डायग्राम हो गया गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, और ये आपका लेआउट हो गया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो नए यूजर है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये अपडेट है, बाकी जो पुराने हैं वो तो चलाते ही हैं। अब इन दोनों को एक पेज में आपको करना है, तो आप कॉम्बिनेट करिए यहाँ पे, और फिर जाइए अपने स्कीमेटिक में, इसको भी कॉम्बिनेट करिए, और इसके बाद जाने के बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि दोनों ही आपका यहाँ पे लेआउट और डायग्राम दोनों ही एक पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे सपोज किसी कनेक्टर को आप फाइंड कर रहे हैं या किसी कनेक्टर को ढूंढ रहे हैं, तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वैसे अपने सेम स्लॉट में आप पहुंच जाएंगे। तो बहुत ईजी होता है, ईजी टू यूज होता है, यूज करना सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम पे आप पहुंच गए। तो ये भी एक फ्यूचर है जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिसका मेन फीचर मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे पीसीडी आपको यहाँ पे एक ऊपर दिखाई देगा, पीसीडी का एक ऑप्शन बन के दिखाई देता है। इसके फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहता था। जैसा कि पहला फीचर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी मतलब कंफर्टेबल आईसी को आप फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपके कंफर्टेबल आईसी है, या फिर आपका कोई ऐसा पार्ट है, या फिर कोई ऐसा आपका मैं बात करूँ यहाँ पे आईसी कंपोनेंट है जो कि वो सेम वैल्यू का नहीं मिल रहा है, तो आप डायग्राम से उस पार्ट नंबर को यहाँ पे सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास एक आईसी है S515, एक आईसी है जो कि हमें नहीं मिल पा रही है, और या तो हमें ढूंढना है कि किस फोनों में ये आईसी मिल जाएगी, ये पावर आईसी है, और या तो कॉम्पोनेंट हुआ तो कॉम्पोनेंट का आपको पार्ट नंबर चाहिए, या तो किसी सेक्शन का आपको पार्ट नंबर चाहिए, तो उससे डिटेल निकल जाएगी कि कौन कौन से आईसी में, कौन कौन सी फोनों में ये आईसी मिल जाएगी। तो चलिए कंपेटिबिलिटी में जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्च डाटा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पावर आईसी का नंबर डाला है S515, तो देख सकते हैं इन्होंने बता दिया कि सैमसंग के A260 में लगा हुआ है, सैमसंग के G610L में लगा हुआ है, मतलब इतने सारे फोनों में ये S515 ये पावर आईसी यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख देता है कि कौन सी आईसी है, तो अब मैंने बताया आपको पावर आईसी, ये पावर आईसी है गाइस, इसका स्कीमेटिक कोड है, यहाँ पे पार्ट नंबर है, और ये आईसी का नंबर है, और ये मॉडल नंबर है, और इस ब्रांड में लगी हुई है, मतलब आप इसको, इस आईसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके मेन और सेकेंड इसके अपडेट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे
एक कंपोनेंट पे आप क्लिक करोगे तो कनेक्टर्स, जो इसका मेन अपडेट है, कनेक्टर्स को भी इन्होंने ऐड कर दिया है कि अगर आप किसी भी फोन का कनेक्टर, जैसे देख सकते हैं कनेक्टर की मैं बात करूँ, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, एलईडी कनेक्टर, हेडफोन कनेक्टर, सिम कनेक्टर, सिम कार्ड कनेक्टर, टच स्क्रीन कनेक्टर, यूएसबी स्पीकर, ऑन ऑफ पत्ता, ये सारा कुछ, ऑडियो वॉल्यूम, अगर आप कभी मिस्टेक हो जाता है और आपको अगर नहीं मिलता है गाइस, तो आप यहाँ से इसको जा करके ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, चलिए फ्रंट कैमरे की बात कर लेता हूँ, और फ्रंट कैमरे की बात करने के बाद मैं कोई एक मॉडल सर्च कर लेता हूँ, रेडमी, रेडमी नोट 3 या कोई भी मॉडल एक कर देते हैं, रेडमी नोट 3। अब यहाँ पे कर देंगे सर्च डाटा, तो नीचे अगर देखेंगे तो आप गाइज यहाँ पे मेजूस और सोमी, सोमी में भी लगा ही हुआ है, बाकी आप यहाँ पे मेजूस का भी कनेक्टर जो है सेम है, कैमरे का जो इसका कैमरे का कनेक्टर है वो सेम है, तो आप मेजूस फोन से भी लगा सकते हैं। और यही बात अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ या फिंगरप्रिंट की बात करूँ, तो चलिए पहले देख लेते हैं एलईडी और इसको करते हैं सर्च। जैसे हम सर्च करते हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे सोमी, सोमी का ही ब्रांड आ रहा है, रेडमी नोट 4 और रेडमी नोट 3 में सेम डिस्प्ले कनेक्टर लगा हुआ है। चलिए और कुछ कनेक्टर्स को हम देख लेते हैं कि हेडफोन, सिम, सिम ज़्यादातर हो सकता है, तो सिम और कार्ड को हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं सर्च। तो यहाँ पे भी नोट 3 नोट 4 में सेम सिम जैक भी लगा हुआ है। अब उसके बाद कुछ और भी एक देख लेते हैं, सिम कार्ड, टच स्क्रीन, यूएसबी, और यहाँ पे स्पीकर, स्पीकर को भी देख लेते हैं, क्या स्पीकर को फाइंड आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो स्पीकर का भी कोई डाटा नहीं है, कोई मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर ऑडियो, चार्जर की बात करें तो चार्जर भी एक बार देख लेते हैं, कोई डाटा फोन नहीं हो रहा है। तो गाइज ये अपडेट बहुत ही अच्छा अपडेट है जिसमें आप देख सकते हैं सारा कुछ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलईडी तो हमने देख लिया, फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट को सर्च करेंगे तो ये सोमी का नोट 3 में ही आपको मिलेगा, ये नोट 3 तो हमने यहाँ पे सर्च ही किया हुआ है, ये फिंगरप्रिंट की पिक्चर्स आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये छोटा सा फीचर था गाइज, जो कि आप यहाँ पे मेन जो इसका है पीसीडी में जा करके आप यहाँ पे अपने कंपोनेंट, मतलब जो आपका कोई आईसी या कंपोनेंट जो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बाकी कनेक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।